तो वही आपने मजा ही मान लिया है, उस दिन दाल में तड़का लगा दिया आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बैठी हूँ अपनी बालकनी में, क्योंकि कल क्या हुआ था मैं बताती हूँ कि जब मैं अपना ये मतलब शूट वगैरह कर रही थी ना, तो अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। तो उसमें बड़े अच्छे से थे, मैं तैयार व्यार हुई थी और मैं मतलब शूट वगैरह कर रही थी, फोटो शूट नहीं वीडियो बना रही थी रील। तो मैंने बालकनी में आके देखा, बट बालकनी में सब कुछ तितर बितर पड़ा हुआ था और कपड़े सूख रहे थे और मम्मी गई थी बाहर। भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर ऐसी चीज़ देख के। तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि प्लीज़ आप मेरी जो बालकनी है ये वाला सेट में इधर कुछ मत रखा करो, जो करना है दूसरी वाली में करो, मेरे में मत करा करो, क्योंकि मुझे एकदम से जब मेरे को चाहिए होता है तो फिर बस चाहिए हो जाता है। तो मेरे अंदर ये था और अब मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद मैं थोड़ी कपड़े उठाती वहां से सबको ठीक करती, फिर तो मैं थकी जाती तो इसलिए मैंने नहीं किया। और फिर पापा कहीं जा रहे हैं, एक मिनट। कुछ और पहना था आपने, हैं जूते वूते ऑल सेट टू गो, कब तक आओगे? तो मम्मी पापा चले गए हैं, मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया है, वापस करते हैं सेट। और ये ना बहुत ही रिलैक्सिंग सी जगह लगती है मुझे, क्योंकि जैसे रात में जब बैठो और ऐसी अच्छी सी हवा चल रही हो और यहाँ पर ऐसे गाने वाने सुनना ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में भी, मतलब जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, तो उस टाइम बारिश हो रही थी और उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर एकदम वाइब होती है ना वो, कि बारिश हो रही है और दिवाली का टाइम था तो सारी लाइटिंग्स थी, तो बहुत मज़ा आया था। आपको याद होगा अक्टूबर में लास्ट ईयर थोड़ा ऐसा मौसम था कि हाँ बारिश हो रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। एक चीज बताती हूँ कि ये जो आप मैट देख रहे हो ना, ये वाला, इसके पीछे ना एक स्टोरी है। स्टोरी पता क्या है, वो छोटी सी है, सिर्फ कोई बड़ी नहीं है। तो स्टोरी ये है कि हमारे ऑफिस में ना वो होता है ना सीक्रेट सेंटा, तो मुझे ना ये लेना था काफी टाइम से, मतलब मैं सोच रही थी, मैं तो पूरी बालकनी में ऐसे करने के लिए सोच रही थी, पर ऑनलाइन जब मैं देख रही थी ना अमेजोन वगैरह पे, तो वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते तो काफी बड़ा मैट है, ये इतना कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर अगर आप मतलब बाहर कहीं मार्केट से जाके परचेज करते हो, तो वो भी ये बोलते हैं, क्या है इतनी जोर से क्या चिल्ला रहा है भाई, तो वो भी ये बोलते हैं कि बुला दिया ना इसने मुझे, तो वो भी ये बोलते हैं कि आपके घर आके वो मेजरमेंट लेके जाएगा, वो काटेंगे वाटेंगे ये सब ऐसे करके। और यहाँ यार रुक जाओ, लोगों पे जो मेरे को मेरी बात नहीं कंप्लीट करने देते। तो मैं क्या कर रही थी कि हाँ, तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि हमारे ऑफिस में ना सीक्रेट सांता होता था, और मतलब जब आप बाहर से भी बुलाते हो, फिर से बोलती हूँ यार मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, तो इस कारपेट के पीछे ना चला रहे ये, मैं मार दूंगी यार। कि ये इस कारपेट के पीछे की स्टोरी क्या है, तो ये कारपेट मैंने खुद नहीं परचेज किया है, हमारे ऑफिस में ना सीक्रेट सांता होता है। यार ये बंदा छोड़ो, मैं बाद में जाऊंगी बाहर में जाके, ऐसे की तैसी रही इडियट। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये इसके पीछे ये लोग यही चिल्लाए जा रहे हैं, पता क्या ओए ओए, अरे देख लिया कुछ नहीं करने दे रहे। तो अभी हम नीचे आए घूमने के लिए, मैंने सोचा क्या ही करूं मैं घर पे बैठे बैठे, तो इसलिए मैं आ गई। तो ना मैंने यहाँ पर इस सोसाइटी का मैं इतने टाइम से हूँ, लेकिन मैंने ना बैंक्वेट नहीं देखा, तो आई थिंक मे बी शायद नहीं होगा बैंक्वेट, बट
इतने प्यारे लग रहे ना ये। हाँ तो ये भी एक पार्क है, और यहाँ पर सुबह की धूप आती है, शाम की नहीं आती, शाम की लास्ट वाले में आती है। तो आज तो यहाँ पर भी कोई नहीं है, काफी सुस्त दिन। तो गाइस यहाँ पे तो आज कोई भी नहीं है, पता नहीं किसकी जैकेट है ये। और मैं भी बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी घर, देखते हैं फिर क्या करेंगे। अभी यहाँ पर तो कोई नहीं मिला मुझे आज। हेलो, वो क्या कर रही है? तो अभी हमने इसके लिए जो दाना डाला ना, शायद ये वो खाएगी। तो शी इज गोइंग टू गेट द दाना। देखो ढूंढ रही है, खा रही है अब। इनके कान बहुत तेज होते हैं। अगर मैं ऐसी रहूंगी तो शी विल थिंक कि आई एम नॉट हार्मफुल। कितनी क्यूट लग रही है ये भाई, कैसे खा रही है, बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है खाते हुए। वो वही चना खा रही है जो हमने इसको डाला था। कितनी क्यूट लग रही है यार ये, ऐसे टेस्ट कर करके खा रही है। चलो इस बेचारे का पेट भर जाएगा और ये शायद अपने बच्चों को भी खिला दे। कितनी क्यूट लग रही है, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ इसलिए ताकि ये समझा ले कि इनके कान बहुत तेज होते हैं। इन्हें कहते हैं राम जी की सवारी, और ये बहुत फुर्तीली होती है गिलहरी। ढूंढ रही है, हो या नहीं। देखो वो बच्चा आ गया था ना, तो इसलिए वो देख रही है पेड़ के ऊपर से कि रास्ता साफ होगा तब वो नीचे जाएगी। तो देख रही है इधर उधर, उसको शायद हमारी बातें भी सुनाई दे रही हो क्योंकि इसके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसे शायद वो भी सुनाई दे रहा होगा, और बहुत तेज़ होती है। अगर वो देखो कर हो सकता है कि शायद वापस नीचे आए। देखो देखो शायद आ रही है, देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। उसको लगेगा कि हमसे पहले तो निकल ही जाएगी वो लेके अपना सामान, क्योंकि उसे पता चल गया कि खाना तो है वहाँ पर, उसको दाने मिल जाएंगे 2-3 दिन के कम से कम। तो इसलिए वो वेट कर रही है। क्योंकि इसने सुना है वो बच्ची को बोल रहे हैं, इसलिए वो इंतजार कर रही है। चल गई शायद, आई थिंक वो नहीं आएगी अब मेरी। सो शी इज़ मेकिंग श्योर कि इसका रास्ता साफ हो। अब जा रही है दोबारा दाने के पास, उसको दिख के दाना जा रही है। जा रही है बच्ची, भाग जाएगी वो, फिर से भाग जाएगी, भाग गई।
वो इतनी क्विक है कि वो भाग जाती है। अगर आप उसको उसको बहुत दूर से आवाज़ सुनाई दे जाती है, पता है, आप वहाँ पे भी बोलोगे ना कुछ, तभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। आप बैठ के देखो बस, आप उसके पास जाओगे वो भाग जाएगी। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं घर पर, एंड क्या बोलो, एंड बहुत बोरिंग बोरिंग सा डे था। आज क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो? क्या चाय बना रहे हो हमारे लिए? ओहो चाय बना रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो चाय का स्वाद ही अलग होगा भाई साहब, थैंक्स डैड। आजकल तो भाई आपने मजा ही मान लिया है, उस दिन दाल में तड़का लगा दिया, आज आई लव यू। तो आपने देखे आज जब मैं बालकनी में बैठी थी, तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, थोड़ी सी मैंने करनी शुरू कर दी थी, तो जब मैंने देखा ना तो बड़ा मजा आता है बिहाइंड द सीन्स देखने में भी, वीडियोस होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा वही डाला है कि मैंने ना रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि मेरा इतना दिमाग खराब हो गया उसकी आवाज़ सुन सुन के, ओए 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 बहुत देर तक चिल्ला रहा था यार, और मैं तो स्टोरी ही भूल गई क्या मैं सुनाने वाली थी, दिमाग ही खराब हो गया मेरा। तो चलो मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैंने 500 का टारगेट रखा, अभी भी नहीं पूरा हो पा रहा है मेरा 500 का टारगेट, तो सब्सक्राइब कर दो और आगे वीडियो शेयर करना, कमेंट करना और लाइक भी कर देना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय।